वेलकम पेरेंट्स एंड फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग अह की मात्रा और अह की मात्रा के शब्द को जानेंगे। यह है अह, यह अह की मात्रा है। इसकी मात्रा किस तरह से होती है? दो बिंदी की तरह, दो डॉट्स इस तरह से वर्ण के बगल में लगाए जाते हैं। इसे विसर्ग भी कहा जाता है। एक्चुअली इसका प्रयोग, अह की मात्रा का प्रयोग संस्कृत में ज़्यादातर किया जाता है, हिंदी में बहुत कम किया जाता है। बट बच्चों को पढ़ना है तो उन्हें अह की मात्रा और उनके शब्द के बारे में बताना जरूरी है, बताना चाहिए। अब इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? इसे जब भी किसी वर्ण में लगाते हैं तो इसकी ध्वनि से, मतलब कि इसकी ध्वनि अह के जैसे निकलती है, अह अह की ध्वनि निकलती है। जिस भी वर्ण के साथ लगाया जाता है अह की आवाज़ आती है। हाँ, अब जैसे कि देखिए, बच्चे को उच्चारण करना जब सिखाते हैं तो यहाँ पे त में जब हम ये लगाते हैं मात्रा अह की, यानी कि विसर्ग, तो इसे कहते हैं तह, त में तह। क में लगा दिया तो इसका उच्चारण होगा गह, ह की आवाज़ आई। ख में लगाया तो ये होगा खह। इस तरह से इसकी ध्वनि ह की ध्वनि आती है। फिर म में जब हम अह की मात्रा लगाते हैं विसर्ग, तो इसकी ध्वनि आती है मह। इस तरह से ह की ध्वनि निकलती है। अब हम कुछ शब्द देखते हैं। अब जैसे कि है छ, छ में हमने जब अह की मात्रा लगाई तो इसे पढ़ते हैं छह। छ में अह की मात्रा, ये छह, सिक्स, मतलब कि छ नंबर, छह सिक्स। अब हमने यहाँ पे लिखा न म अह की मात्रा नमः। नमः कैसे पढ़ेंगे हम लोग? कैसे नमः बनता है? न यम म जम अह की मात्रा विसर्ग, तो यह बनता है नमः, मतलब नमस्ते। इसे कहते हैं नमः, नमस्ते। अब द में छोटी उ की मात्रा, दु ए की मात्रा और ख में बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ते हैं दुखी, दुखी। इसकी हल्की हसी साउंड आती है। प्रातः, यह है प्रातः, मतलब कि सुबह, प्रातः को सुबह कहते हैं। सुबह मतलब मॉर्निंग, प्रातः अह की ध्वनि, ह की ध्वनि इसमें से आती है विसर्ग यानी कि अह की मात्रा लगाने पर। अब कुछ और ऐसे वर्ड शब्द जैसे कि स्नेह, स्नेह मतलब कि धीरे से, धीरे धीरे, यह भी संस्कृत के शब्द हैं। स्नेह, पुनः, पुनः मतलब फिर, दोबारा, दोहराना, पुनः। अब कुछ और शब्द ऐसे देखते हैं, ये दो अक्षर वाले शब्द हो गए। तीन अक्षर वाले शब्द जैसे कि फ, ल, त में अह की मात्रा फलतः, फलतः मतलब परिणाम, रिजल्ट, फलतः, इसलिए फलतः। म में बड़ी की मात्रा ल, त में अह की मात्रा यानी विसर्ग, तो इसे क्या बोलते हैं? मूलतः, ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली, मतलब कि मूल रूप से, मूलतः। यह है स्वतः, स्वतः मतलब खुद, स्वयं, अपने आप। तो इस तरह से हम सिखाते हैं बच्चों को अह की मात्रा वाले शब्द, उनका उच्चारण। अब कुछ चार अक्षर वाले शब्द, बहुत ही कम हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, बट चार अक्षर वाले शब्द हम देखते हैं। द में, दू में अह की मात्रा, दू शा सन, दुशासन, इसे पढ़ते हैं दुशासन। अब दु
साहस यानी कि दुस्साहस, इस तरह के वर्ड शब्द हम चार अक्षर वाले शब्द अह की मात्रा लगा करके सिखाते हैं। और यह नि स हा य नि सहाय। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू।